वैसे तो माँ दुर्गा के कई मंदिर हैं, लेकिन वेश नदी के किनारे बना प्राचीन चिरोल वाली माता का मंदिर करीब 1100 साल पुराना है। विघ्न विनाशक श्री गणेश के साथ विराजमान है। यह मंदिर में गौरी गणेश के करीब 1.5 से 2 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित है। माँ आज शक्ति पीठों में से यह भी एक प्रमुख दरबार है। यहाँ पर ब्रह्मचारी ईश्वरानंद महाराज की तपोभूमि भी थी। वर्ष 1978 में उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी समाधि बनी थी। पंडित जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये विदिशा में चरोल वाली माता के नाम से ये प्रसिद्ध मंदिर है, जो बैसनगर में स्थित है। विदिशा के बैस नदी के किनारे स्थित है, त्रिवेणी संगम के पास में। ये गौरी गणेश का स्थान है, इसे चरोल वाली माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहले माता जी जहाँ चरोल का पेड़ है उसके नीचे विराजमान थी। फिर भक्तों के जन सहयोग के द्वारा ये मंदिर का नवनिर्माण हो गया है और माता जी की स्थापना यहाँ हो गई थी। ठीक, कितना पुराना मंदिर हो? ये सैकड़ों वर्ष पुराना है, क्योंकि दोनों प्रतिमाएं स्वयंभू है। अच्छा। हमारे यहाँ पुराने एक संत थे, ये संत परंपरा का मंदिर है। उनको स्वप्न में दर्शन देके, नीचे यहाँ पे तलघर है, वहाँ से माता जी स्वप्न में दर्शन देके प्रकट हुई थी। हाँ, ये अलग से चूंकि विशेष संयोग है, इसमें ये गौरी गणेश है, माता जी अपने पुत्र के साथ विराजमान है। गौरी गणेश है ये, जहाँ पे पहले ब्रह्मचारी जी थे, चूंकि 1978 में उनकी समाधि बन गई यहाँ पे, वो उनका परलोक गमन हो गया था, उनकी समाधि बनी है। उनके बाद राम छबीले दास जी महंत थे, उनकी भी यहाँ पे समाधि बनी है, और उनसे पहले सबसे पुराने सिद्ध बाबा थे, उनकी भी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। संतों के अधीन था ये स्थान।